तीन प्रकार भारती जी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री नरेंद्र सरकार जी, इंडियन नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, श्री दशक चार पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्री सारण साहब, जिला के अध्यक्ष भाई रोहतास कटाणा जी, इंडियन नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष प्रदेश के दक्षिण प्रकोष्ठ के प्रधान श्री प्रभात मोदी जी, पूर्व के रहे चेयरमैन पार्टी के उदाहरण से एक प्रत्याशी श्री बीपी नड्डा जी, प्रदेश के प्रवक्ता एवं पूर्व के रहे हमारे कसौटी से प्रत्याशी मंच का संचालन कर रहे सुखबीर तंवर जी, जिला युवा के अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करने वाले प्रमुख आकरान जी, पार्षद विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के अलका के अध्यक्ष अटल जी कटारिया जी, गुड़गांव अलका के अध्यक्ष भाई शमशेद कटारिया जी, पटौदी के अध्यक्ष पप्पी सरपंच जी, महिला के अध्यक्ष श्रीमती शशि धालीवाल जी, युवा के वरिष्ठ साथी राजवीर भाइयावाल जी, पूर्व युवा के अध्यक्ष हैं सतीश धालीवाल जी, सतीश सागर जी, झाड़सा गांव के पूर्व के रहे सरपंच चौधरी सुरेश सिंह जी, मान सिंह ठाकरा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के प्रमुख के प्रदेश स्तर के सभी नेता, आज के इस गुड़गांव जिला के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही निष्ठावान तनबल अनंत कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सहकार दोस्तों, मेरे से पहले तो साथी बोल करके गए, उन्होंने इस प्रदेश में नए सिरे इस 8 महीने में जो बीजेपी की जेजेपी की सरकार बनी उसके बारे में बड़े खुल करके आज चर्चा करें। इस 8 महीने में प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उन सबके बारे में भी चर्चा करें। इस 8 महीने में 3 महीने हमारे बीच में ऐसे भी आए कि देश के प्रधानमंत्री ने कैसे कोरोना की महामारी से बचा जाए, कैसे इस बीमारी से छुटकारा मिले, इसके लिए हमें 80 दिन तक हमें बंद नहीं रहना। साथियों, जहां आज हमें अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, दोबारा से संगठन को रिवाइव करने के लिए पार्टी के साथ कैसे लोग और ज्यादा जुड़े, उसके लिए कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी हो, हमने आज ये मीटिंग विशेष रूप से इसके लिए बुलाया। लेकिन क्योंकि जो महामारी थी, जो आज भी बहुत तेजी के साथ पूरे देश में फैल रही है, उस 80 दिन में 3 महीने के समय में हमें किन किन दिक्कतों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने
एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत ज्यादा कठिनाई आई, दिक्कत हमारी पड़ी। जब ये बीमारी हमारे देश में आई उससे पहले दुनिया के जो विकसित देश थे जो मेडिकल साइंस में बहुत एडवांस थे, आगे थे, वहां पे बहुत ही लार्ज स्केल पे पड़ी हुई, बहुत बड़ी तादाद में थी। अमरीका के अंदर हजारों के रोजाना आते हैं और हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। स्पेन की थी, इटली की थी, इंग्लैंड की थी और ये यादव यूरोप के अन्य जो कंट्री थे, चाहे वो जर्मनी था, चाहे वो फ्रांस था, लगातार वहां बीमारी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन हमारे देश में उस वक्त में केवल और केवल 500 मरीज थे, 500 पीड़ित थे इस बीमारी। अखबार में, टेलीविजन में सब जगह ये बात सरकार की तरफ से कही गई कि अगर हम लॉकडाउन में चले जाए तो फिर हमें बीमारी से जीत पाएंगे, फिर हम इस महामारी को यही खत्म कर देंगे। लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया, माना और 80 दिन तक लोग अपने घरों के अंदर बंद रहे। जो छोटे छोटे दुकानदार थे जो भी रोज की अपनी दुकानदारी करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते थे, तो भूखमरी की कगार का खड़े हो। जहां सरकार की 80 दिनों में जिम्मेवारी बढ़ती थी कि लेबर क्लास के लोग जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से उनकी मजदूरी खत्म हो गई थी, उनके राशन का प्रबंध करना चाहिए, उनको ठहरने की जगह देनी चाहिए थी, इस महामारी से कैसे बचे होंगे कि उनको वो सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं प्रदान कर दी गई। लेकिन साथियों, हराने की बात है, जिन मुल्कों में बहुत बड़ी संख्या में मरीज थे जिन्होंने लॉकडाउन की पहल करी, उन्होंने देश तक यह फैसला लिया था कि अगर इस महामारी से लोगों को बचाना तो फिर हमें अपने देश को एक बार बंद करना पड़ेगा। जब देश बंद हो जाएगा तो कैसे इसका इलाज, कैसे इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए उनको शिक्षित करना पड़े और उनको शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक लॉकडाउन किया। लेकिन हमारे यहां तो जहां 500 की संख्या थी वो 500 से आज बढ़ करके लाखों में चली गई, अच्छा लाखों में संख्या थी। वहां उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उस बीमारी के काबू पाने का काम किया। मुझे पता है जिस दिन बीमारी का पहला लॉकडाउन हमारे देश में आया, हमारे हरियाणा में केवल मात्र 3 केस थे। गुड़गांव के आपके सामने जो अस्पताल है इसमें 14 ऐसे मरीज थे जो इटली के थे जिनको यहां डॉक्टर ठीक कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में अकेले जाकर सामने 100 से ज्यादा मरीज हैं, ऐसी तुम्हारे जाएगा बिल्कुल जी। सरकार की जिम्मेदारी तो यह बढ़ती थी कि इस लॉकडाउन के दौरान इस बीमारी पर काबू पाना चाहिए। काबू पाने की बजाय तो वो जो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, चाहे वो इंडस्ट्रीज का उनसे पैसा लिया, चाहे कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति था उसकी तनख्वाह में से पैसा काटा, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनसे भी इन्होंने 5-5 रुपए लेने की बात कही। और जो खेती करने वाला किसान था वो
उसको तो इन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज कोरोना के नाम पर सरकार को सुविधा देने पैसा मांगना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पैसे का हिसाब किताब सरकार से मांगा तो फिर हिसाब देने की बजाय ये कहकर के मना कर दिया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में जो पैसा आता है उसकी जानकारी मुहैया कराने की कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें उसकी जानकारी दी जाए। महामारी में भी इन्होंने अपनी पार्टी के लिए संधि करता है जहां उस टिकट के लिए पैसे को कहीं खर्च नहीं किया, वही साथ के लिए इन्होंने नई नई परेशानियां लोगों के सामने खड़ी की। कांग्रेस का हाल था 10 साल तक चौधरी भगत सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, अब उस 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा मार जो है गुड़गांव के आसपास का जो किसान था, खेती करने वाला था,